और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और अग्निवीर योजना के मुद्दे पर आज बिहार यूथ कांग्रेस ने पटना में प्रदर्शन किया। तस्वीर आपके सामने रखेंगे जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं, बोरिंग कैनाल रोड से विधानसभा घेराव के लिए दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता निकले और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। जब कार्यकर्ता नहीं माने, जबरन आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से आज कुछ इस तरह की तस्वीर सड़क से निकलकर सामने आई, जब यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया और पहले से ही मुस्तैदी में खड़ी जो जवान थे, जो उन्होंने कुछ इस तरह से लाठीचार्ज शुरू कर दिया, क्योंकि बताया जा रहा है रोकने की कोशिश की गई, जब नहीं रुके तो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, पानी की तेज बौछार से भी रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद लाठीचार्ज की भी तस्वीर सामने। हटिए हटिए साइड हटिए आप लोग हटिए हटिए। बजट पेश होने के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्ष ने विशेष राज्य के दर्जे को मुद्दा बनाया तो सीएम नीतीश कुमार भी चुप कहां बैठने वाले थे। बिहार में सत्ता बनाम विपक्ष की सियासी जंग ने ऐसा रूप लिया कि सदन में जबरदस्त हंगामा मच गया। प्रश्नोत्तर काल के बाद यह सवाल उठाइएगा, बैठिए। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, विशेष राज्य के दर्जे पर सियासी संग्राम, वेल में पहुंचकर विपक्ष ने छेड़ा घमासान। जो बिहार की सियासत को समझते हैं उनके लिए न ये शोर शराबा नया है और न ही हंगामे की ऐसी तस्वीरें। जाइए अपने स्थान पे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सारी बातें बता दी है। पुराने मुद्दे पर नई सियासी तकरार की वजह बना है वो स्पेशल पैकेज, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को किया था, लेकिन इसी को विपक्ष ने जब मुद्दा बनाया तो नीतीश कुमार भी आक्रामक हो गए और उन्होंने अपने ही अंदाज में विपक्ष को करारा जवाब दिया। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार को ईडी और आईटी से डराया गया। इसी के बाद नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग से विशेष पैकेज पर आ गए। जिस तरीके से बीजेपी ईडी आईटी को आगे कर करके और नीतीश कुमार जी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, ये सब बताना चाहिए। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है जो आप कह रहे हैं कि लाख करोड़ दे दिए, विशेष पैकेज दे दिए, खुशी मना रहे हैं। नीतीश कुमार जी आखिर क्यों बार बार प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमको बहुत खुशी होगा, बहुत खुशी होगा मेरा अगर कम्मा कर दीजिएगा तो। आखिर कौन सा उकम्मा है, आखिर किस काम के लिए वो लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा है, बताना चाहिए, बिहार के लोग जानना चाहते हैं। केंद्रीय बजट में बिहारे में बाहर, और ये बिहारे में बाहर हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश में जो अखबार छपने का हेडिंग है कि केंद्रीय बजट में बिहारे में बाहर, निश्चित रूप से बिहारे में बाहर है, उन लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। लालटन लेके घूम रहे हैं, लालटन का युग समाप्त हो गया, अब मोदी जी ने LED दिया है और 21,000 करोड़ रुपया भागलपुर पिपैती में बिजली का प्रोजेक्ट चकाचौंध होने के लिए, तो लालटन वाले को ये सब दिखाई पड़ेगा। इसी बीच जब बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा था, अचानक विपक्ष की महिला विधायक भी वेल में आ गई, जिससे नीतीश कुमार इस कदर नाराज हुए कि उन्हें महिला विधायक के सामने अतीत को याद करवाना पड़ा। सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था, अरे हम 5 के बाद ना महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो, इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो, अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ सुनोगे नहीं, हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है।
वार पलटवार की ये लड़ाई तेजस्वी यादव के दरवाजे तक भी पहुंच गई, जो तीन दिन से सदन के सत्र से नदारद हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सदन का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश की सैर पर हैं। तेजस्वी यादव को बिहार से कोई लेना देना है नहीं, तेजस्वी यादव को बिहार का कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव तो अपने परिवार के लिए जीते हैं, उनको बिहार से क्या लेना देना है? अगर उनको बिहार से लेना देना होता तो इतने महत्वपूर्ण सत्र में वो सदन में रहते और जनता की आवाज़, प्रतिपक्ष जनता की आवाज़ होती है और जनता की आवाज़ सदन के अंदर उठाने का काम करते। वो नज़र नहीं आ रही है जो हम मुद्दे उठा रहे हैं और जो उठाना चाहिए उस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। अगर कोई इलाज कराने के लिए कहीं विदेश गया हो और उस पर सवाल उठाता हो, ये इसलिए सवाल उठा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जाहिर है बजट की अटैची से निकली विशेष पैकेज की चिंगारी लगातार सुलगने वाली है, जिसका असर ये होगा कि सदन का महत्वपूर्ण वक्त हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा।